नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था, वही कल से सोशल मीडिया पर मैसेज भी वायरल हो रहा था। उसी को देखते हुए पुलिस के द्वारा कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, किंतु मात्र 4 लोगों के साथ भीम आर्मी के लोग पहुंचे और ADM सलोनी सिड़ानो को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान धार का मीडिया व धार का पुलिस अमला मौजूद रहा। भीम आर्मी के अध्यक्ष से जब मीडिया रूबरू हुआ तो मीडिया के सवालों में उलझ गए और कहा कि जो दोषी है पर कार्रवाई होना चाहिए। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। अरे कौन ले गए? ये मामला ईद के दिन का है, जिस दिन मुस्लिम भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा किया गया था और उनके जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। कहीं ना कहीं ये उनकी धार्मिक भावनाओं पे ठेस पहुंचाई गई है। मैं यही शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इनकी पूरी जांच हो और जिसमें जो लिप्त पाया गया उनको वो सजा के हकदार है, लेकिन जो बच्चे इनके ऊपर मुकदमा लगाए गए हैं, मतलब करीब मेरे को जानकारी है 100 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाए। तो यही मांग। क्या आपका नाम बता? राकेश चौहान, भीम आर्मी जिला। आपने बताया है तो जितनी भी एफआईआर हुई है 90 लोगों के ऊपर, हाँ, वो सब बालिग है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं, हमारे पास लिस्ट पड़ी है। बेकायदा आपको वीडियो दिया जाएगा। वीडियो तो हमने बनाए, हम लोग वीडियो चला रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड नहीं, हम चाह रहे हैं कि जिनने वहाँ पे अगर ऐसे व्यवहार किए उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। लेकिन जो आधार पर ही सारी जो फर्जी मुकदमे किए किनके खिलाफ है? पुलिस के ऊपर पथराव करने वाला का क्या समर्थन? नहीं करते ना हम। भीम आर्मी क्या चाहती है? भीम आर्मी ये चाहती है कि जिनके ऊपर मुकदमे फर्जी किए गए वो मुकदमे वापस लिए। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। आप बस इतना चाहते हैं, आप आवेदन देने के लिए आए, तथ्यों को परखा आपने? तथ्य को परखा बिल्कुल, इसीलिए तो आया ना। निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आप फर्जी मुकदमे बोल रहे हैं इसलिए? नहीं, निष्पक्ष हो और जो बच्चों पे जो लाठियां बरसाई है। और आपने मैसेज चला आगे आप कोई बड़ा आंदोलन करेंगे 25 तारीख को उस बारे जी? बिल्कुल, ये तो प्रदेश लेवल से हमको आदेश है और पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति मतलब बहुजन समाज और आए दिन अल्पसंख्यक भाइयों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन किया।